हेलो जी, मेरा नाम फरहान है और आज मैं आपको दूंगा सिग्मा 17-50 mm 2.8 का रिव्यू। तो ये लेंस है, तो इसके बारे में आज मैं बताऊंगा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, मतलब फ़ायदे और नुकसान। ठीक है, फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान बहुत कम है। ठीक है, ये लेंस सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये है 2.8 अपर्चर, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो किट लेंस है 18-55, और इस पे अपर्चर इस वक्त सेट है 3.5 और ISO 1600-1600 और शटर स्पीड है 60-60। लेकिन अब इस लेंस के साथ चेक करते हैं कि इसी वक्त इस सेम सेटिंग पे सेम चीज़ क्या है। तो ये लेंस लगा के इसका रिव्यू सबसे अच्छा होगा, और अभी फिर इसको लगाते हैं और देखते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ये किट लेंस उतर गया और ये लगा हुआ है अब सिग्मा का लेंस, और इसके अभी इसकी किट लेंस जितनी है अपर्चर 3.5, लेकिन इसको हम जब ट्रांसफ़र करेंगे 2.8 पे तो ये देखें कितना लो लाइट में कितना ब्राइट हो गया है। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे पसंद आया, क्योंकि मैंने कहा इनडोर में वीडियोज़ बनानी होती हैं, आउटडोर भी बनानी होती हैं, इनडोर ज़्यादा बनानी होती हैं या लो लाइट में ज़्यादा बनानी होती हैं, तो इसकी इस वजह से मैंने ये लेंस लिया और मुझे बहुत पसंद है। और फोकल लेंथ इसकी उस लेंस से 1 mm ज़्यादा है, मतलब पिद्दू सा इसमें थोड़ा सा ये वाइड होगा, लेकिन इसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसके बताऊंगा सबसे पहले इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि लो लाइट में यूज़ हो जाता है, बहुत शार्प है। तीसरा कि लार्ज फिल्टर है, 77 mm का इस पर फिल्टर लगता है। इसमें OS है जो किट लेंस में नहीं है, इमेज स्टेबलाइजेशन मतलब ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, जो कैनन की एल सीरीज़ है वो जिस पे वो जो लेंस होते हैं जिन्होंने वो रेड कलर का हार पहना होता है उससे चीप है, वीडियोज़ के लिए बेस्ट है। कैमरा लुक इससे बहुत छशके वाली बनती है। HSM हाइपरसोनिक मोटर लगी है, जो फोकस स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ है, वो भी आपको बताऊँगा। डिसएडवांटेजेस, नुकसान, फोकस मोटर टर 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 साउंड। चाचू जी डरा। फोकस मोटर का जो साउंड है वो बहुत इरिटेटिंग है, खास तौर पे एक्सटर्नल माइक पे। ये जो इसका अपना इंटरनल माइक है उस पर इतना साउंड इरिटेट नहीं करेगा, एक्सटर्नल माइक पे बहुत इरिटेट करेगा फोकस मोटर साउंड। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है पिद्दू सा कि इसका इमेज ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन कैनन से थोड़ी सी लोअर। कैनन की इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उसके नस्बत से इसकी वो है, वो मैं आपको वीडियो टेस्ट देता हूँ, ये देखें आप। और ये मुझे पाकिस्तान से सितंबर 2018 में 35,000 का पड़ा है, लेकिन अब मैंने सुना है कि इसकी कीमत 42,000-42,500 हो चुकी है। और ये मेड इन जापान है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, और कैमरे की लुक तो आप चेक कर ही सकते हैं।